मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मेट्रो शहर की गिनती में आ चुका है। ट्रायल रन का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़े भव्य रूप से कार्यक्रम के दौरान शुभारंभ किया, तो वहीं लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि शहर ने टेम्पो से लेकर मेट्रो सिटी तक का सफर बड़ी मेहनत और शिद्दत के साथ पूरा किया है। इंदौर में शनिवार को मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधीनगर स्टेशन पर पहुंचकर ट्रायल के लिए पूजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर को मेट्रो की सौगात मिलने पर सभी को बधाई दी। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अभी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की तारीफ करते हुए बधाई दी। मेट्रो प्रोजेक्ट के MD मनीष सिंह ने इस मौके पर CM शिवराज सिंह चौहान को मेट्रो ट्रेन की प्रतिकृति भेंट की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इंदौर ने टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का सफर तय किया। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ ही मेरे सपनों का शहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो है। शहर की जरूरत और यातायात को बेहतर बनाने में मेट्रो काफी मददगार साबित होगी। आम से लेकर खास लोगों की भी मेट्रो में सफर कर सकेंगे और वो भी बहुत ही कम। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मेट्रो कोच में बैठकर गांधीनगर से सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 तक यानी करीब 6 किलोमीटर का सफर किया। साथ ही अधिकारियों से जानकारी भी हासिल की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज एक सपना पूरा होने जा रहा है। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने और 6 महीनों में यात्रियों के लिए ट्रेन का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इंदौर शहर के आसपास के शहरों को मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाए जाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जल्द ही उज्जैन और पीथमपुर तक मेट्रो चलाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए फिलहाल सर्वे किया जा रहा है। इंदौर वासियों को बहुत बधाई। कैसा अनुभव रहा है सर आपका मेट्रो में ट्रायल में? एक संकल्प पूरा हुआ है। आपका अनुभव कैसा रहा मेट्रो ट्रायल रन में? एक सपना साकार हो रहा है। पहला शहर मध्य प्रदेश का मेट्रो शहर अपना इंदौर, और मेट्रो से इंदौर के अद्भुत दर्शन किए। मुस्कुराता हुआ इंदौर, हंसता हुआ इंदौर, खिलखिलाता हुआ इंदौर, जैसे समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश की गाथा कह रहा हो। मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बीच में जब दूसरी सरकार आई थी तो विलंब जरूर हुआ क्योंकि काम ठप हो गया था, लेकिन मैं पूरी टीम मेट्रो को, मनीष सिंह और पूरी टीम को भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत तेज गति से काम प्रारंभ करके पूरा करने की दिशा में बढ़ा दिया। अब अपना इंदौर मेट्रो शहर है और मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी भी यहां बनाई जाएगी। और एक और संकल्प हमने लिया है, इंदौर से पीथमपुर और इंदौर से बाया सावेर उज्जैन, ये मेट्रो ट्रेन जाएगी। और 2028 के सिंहस्थ तक हम इंदौर और उज्जैन को मेट्रो से जोड़ेंगे। आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई, इंदौर वासियों को बधाई, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई। इस मौके पर शहर के सांसद शंकर लालवानी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि और शहरवासी मौजूद रहे। इंदौर उज्जैन के बाद में इंदौर पीथमपुर। देखिए इंदौर जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मुख्यमंत्री, एक नया दौर है पूरा। इंदौर के लोगों को अपने शहर से प्रेम है, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को विकास के जो भी दिशा रहती है उसमें उनका सहयोग पूरा रहता है। और इंदौर इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग Tier 2 सिटी है। आने वाले समय में 5-6 साल में आप देखेंगे इंदौर में किस प्रकार से IT क्षेत्र में बढ़ोतरी, किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पीथमपुर या आसपास जो मालवा एरिया में जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं सब, अभी 15 लाख करोड़ का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आया था, उसका एक कंपोनेंट में टेक्सटाइल और गारमेंट का बोलूं तो 20,000 करोड़ तक के कंफर्म इन्वेस्टर्स आ चुके हैं उसमें, जबकि 18,000 करोड़ का था GIS में इंटेंशन। तो जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट, चाहे साउथ के लोग यहाँ आ रहे हैं, नॉर्थ के लोग आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से इंडस्ट्रीज़ यहाँ आ रही हैं,
तो और सभी लोग रहेंगे इंदौर में, तो इंदौर का एक जो क्वालिटी लाइफ है, जो यहाँ स्कूल फैसिलिटीज़ हैं, जो यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट है, और जो मेट्रो रेल भी शुरू हो गई है, सफाई जो यहाँ के जनता ने जो सहयोग देके, जनता ने खुद जुनून की तरह सफाई यहाँ मेंटेन कर रही है, तो ये शहर एक अलग ही दौर में जा रहा है, ये देखने को आता है। मेरे ख्याल से जिस स्पीड से इंदौर ग्रोथ कर रहा है, आने वाले 5 से 10 सालों में आप लोग खुद आश्चर्य करेंगे किस दिशा में शहर बढ़ चला है। देखिए, मेट्रो में अभी रिंग बनी है 31 किलोमीटर की, इसके बाद इसमें लाइंस डलेंगी, और अभी यही काम लगभग हम लोगों का 10,000 करोड़ क्रॉस करेगा। आगे जब और लाइन डलेंगी, ये येलो लाइन है, येलो लाइन के बाद जैसे भोपाल में ऑरेंज और ब्लू लाइन है, ऐसे यहाँ भी अलग अलग रंग की लाइन 1, लाइन 2 अलग अलग जाएंगी, और जब ये सब लाइंस डलेंगी, जब एक व्यक्ति जब घर से निकलेगा और उसको किसी भी कोने में शहर में जाने के लिए मेट्रो रेल कनेक्टिविटी का जाल मिलेगा, उसके बाद पूरी तरह से निर्भरता जनता की इसमें आएगी। ये प्रयास है, शुरुआत है, ये लाइन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 26 में जो शहर के अंदर से 8.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो चल रही है, उसके टेंडर्स भी हम लोग जल्दी शीघ्र हो रहे हैं, एजेंसी फिक्स होने वाली है, ADB फंडेड है पूरा, 7,000 करोड़ का है, ADB फंड कर रहा है पूरा, वो भी शीघ्र काम हो जाए, सब हो जाता है तो 26 में पूरा ये रिंग चालू हो जाएगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन्स में काम चलेगा, अभी लगातार 10 साल तक इसमें काम चलते रहेंगे, उसके बाद फिर असली लाभ जनता को यहाँ के मिलेगा। थैंक यू सो मच। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।